हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो फ्रेंड, आज सीएनजी भर के मैं निकला था शनिवार की रात को, तो एक्चुअली उबर का एक बुकिंग लग गया। बहुत ही बेकार पैसा दिया उबर ने, 1 घंटा 35 मिनट लगाया मुझे। मारवे का बुकिंग था, मैंने ले लिया, मुझे लगा पैसा अच्छा देगा, लेकिन वही घटिया पैसा दिया है। तो जो मारवे का बुकिंग था वो 34 किलोमीटर का था, 34 किलोमीटर का 380 रुपया दिया है। यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन जो टाइम लगा उस हिसाब से पैसा बहुत ही बेकार है। 1 घंटा 35 मिनट पूरा ट्रैफिक था भाई, तो 380 रुपया मिला। मारवे जाने के बाद मुझे बुकिंग ओला का बजा, परेल का, उससे भी बेकार फेयर मिला है। तो 45 मिनट लगा है, 29 किलोमीटर ड्रॉप किया मैंने, 308 रुपया दिया है ओला भाई साहब ने। उसके बाद फिर से ओला भाई साहब बजे हैं वहीं से चेंबूर का, तो जिसका मुझे कुछ डिटेल बताता हूँ। चेंबूर का जो लगा है मुझे 2:47 पे 146 रुपया दिया है 12 किलोमीटर का। उसके बाद फिर से चेंबूर से मुझे जस्ट तुरंत ही एक ओला भाई साहब बजे, सॉरी उबर बजे, फिर वापस से शिवाजी पार्क का उबर भाई साहब बजे 9 किलोमीटर का 140 रुपया दिया है। तो इस तरह से दो दो बुकिंग दोनों में कम्प्लीट हो गया, 4 बुकिंग टोटल कम्प्लीट हो गया। उबर 520 और ओला 454, तो इस तरह से दो बुकिंग कम्प्लीट। तो 549,970 रुपये का काम हो गया है और मैं शिवाजी पार्क के पास खड़ा हूँ और देखता हूँ यहाँ से बुकिंग वगैरह आता है कि यहाँ से निकलता हूँ इस रात के टाइम। यहाँ से बुकिंग आज सैटरडे की रात है, बजना चाहिए 3:30 बज चुके हैं, और यहाँ से जब एक लंबी बुकिंग मिल जाए तो काम हो जाए। छोटे छोटे बुकिंग से कुछ समझ में नहीं आता यार, कुछ काम नहीं होता कभी भी। मुंबई में आज चेंबूर खड़ा था, ये इधर अमर माये वाला बुकिंग मुझे नहीं लेना चाहिए था, शिवाजी पार्क का ले लिया मैंने। बोला चलो यार रोड खाली है, फटाफट चलते हैं, और मच्छर घुस जाता है यार थोड़ा भी विंडो खुलता है, और ड्रॉप कर दिया। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 14 मिनट ड्रॉप के लगने लग गया, 140 मिल गया, और यहाँ बैठते हैं और बुकिंग का वेट करते हैं और देखते हैं यहाँ से लोकेशन वगैरह अच्छा उस साइड चलते हैं जहाँ से बुकिंग मिल जाए। तो जो भी डिटेल रहेगा कहाँ से अपने को बुकिंग मिलेगी मैं आपको बता दूंगा भाई लोग। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड अभी जो उबर का मुझे बुकिंग लगा भाई, बहुत ही अजीब गरीब बुकिंग था, शायद कूपन वगैरह यूज़ किया था पैसेंजर ने, क्या किया था। हालांकि मेरा कुछ लॉस नहीं है, लेकिन किस हिसाब से अगर एक कंपटीशन में किया गया राइड था तो बहुत ही घटिया उबर वाले का ये था। तो 25 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 25.5 किलोमीटर का मैंने पैसेंजर को उबर का ड्रॉप किया वहां से नेरुल में, तो मुझे 325 रुपया उबर ने दिया है और 40 रुपया टोल भी रिफंड दिया है, 365 रुपया। और कस्टमर का जो बिल हुआ था कितना हुआ था पता है? 325 रुपया, 365 रुपया उबर ने मुझे ही दे दिया, राइट फेयर 325 रुपया, बैलेंस 40 रुपया। अभी मुझे बैलेंस ही हो गया 40 रुपया, कैश राइड था। तो इस तरह से उबर का बताओ भाई, 365 रुपया ट्रिप का पूरा बुकिंग का भाड़ा मुझे दिया और कस्टमर से सिर्फ 325 रुपया लिया। तो या तो पैसेंजर ने कूपन यूज किया होगा या पहले का उसका बैलेंस होगा, या तो फिर कंपटीशन में ऐसी बुकिंग दे दिए होंगे। तो कोई बात नहीं, अपने को क्या है, अपना पूरा पैसा मिल गया 365 रुपया, इस तरह से अपना 436 हो गया, धनाधन बुकिंग मिल गया भाई आज। अब नेरुल में थोड़ा सोते हैं भाई। तो फ्रेंड, अपने को नेरुल से जैसे पैसेंजर को ड्रॉप किया, आधा घंटा आराम किया, और 5 बजे मुझे एक T2 इंटरनेशनल का बुकिंग लग गया। पहले मुंबई सेंट्रल का आया था तो क्लिक कर दिया, लेकिन वो पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, उबर का था। फिर उसके बाद ओला ही तुरंत बच गया मेरा, T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बच गया और मैंने ड्रॉप कर दिया। 30 किलोमीटर था और 40 मिनट लगे हैं और 354 रुपये मिले हैं मुझे टोल के साथ। जो फेयर था वो 10 रुपये के हिसाब से एग्जैक्ट था, क्योंकि 314 रुपये मुझे फेयर मिले, 40 रुपये टोल मिले, 314 रुपये मिले ओला की तरफ से। तो ताबड़तोड़ बुकिंग थी आज ज़्यादा कुछ हो नहीं है। और एयरपोर्ट पे आया हूँ मैं, CNG भी फिल कर लिया और टोकन में 140 चल रहा है ओला का, और उबर का भी जो भी चल रहा था अभी देख ही लेता हूँ। तो टोकन आपको बताना था ना, हाँ चलिए देखिए टोकन बताता हूँ मैं आपका। देखिए आप लोग पूछते हैं टोकन क्या, तो ये देखिए ये उबर का टोकन चल रहा है अभी, आप देख लो कितना है। उबर गो 31-35 चल रहा है मेरा, यानी मेरे आगे 30 कैब बुक होने के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। और ओला का भी दिखाता हूँ आपको, तो ओला का 140 चल रहा है, यानी 140 मेरे आगे कैब है। अगर कोई ट्रिप एक्सेप्ट नहीं करता है 140 के बीच में, अगर कोई ऐसा ट्रिप है नज़दीक का कोई एक्सेप्ट नहीं किया, तो घूम फिर के वो मुझे आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये रहा टोकन नंबर जो आप लोग बहुत पूछते हैं। तो ये इसके बाद अभी देखते हैं बुकिंग कब तक लगता है, डिटेल बताते हैं। आज तो
अर्निंग भी अच्छी खासी हो गई होगी, अभी हिसाब नहीं किया मैंने, लेकिन ठीक ठाक हो गया होगा। जो भी रहेगा टोटल स्क्रीन शॉट के साथ आपको बताते रहेंगे। तो फ्रेंड अपने को एक घंटा थोड़ा आराम भी कर लिया एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से एक बुकिंग लग गई थी मुझे, ओला का बुकिंग था, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। तो ओला का जो बुकिंग लगा था मुझे, लगा था बेलापुर का 450 प्लस 40 रुपये टोल, तो 490 रुपये मिले हैं 31 किलोमीटर के। अच्छा फेयर था, एक घंटा दो मिनट लगे, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने। और ड्रॉप करने से पहले मुझे सिलफाटा का बुकिंग लग गया, तो सिलफाटा भी मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। 8:30 बजे का ट्रिप था, 9 बजे ड्रॉप कर दिया। 29 मिनट लगे हैं, 240 रुपये मिले हैं 19 किलोमीटर का। और अभी मैं सिलफाटा के पास खड़ा हूँ और यहाँ से देखता हूँ बुकिंग वगैरह होता है कि नहीं। पूरी अर्निंग मैं बताता हूँ हिसाब करके। तो जो अर्निंग है आज की 850 रुपये उबर में है और 1550 रुपये ओला में है। तो अभी कुछ 2400 रुपये का काम हो गया सिलफाटा में हूँ, देखता हूँ यहाँ से कोई बुकिंग वगैरह मिल तो काम हो जाएगा अच्छा खासा। तो वेट करते हैं यहाँ पे बुकिंग का, और बुकिंग आएगा तो लेके चलते हैं और बूम बाम करते हैं भाई। तो फ्रेंड अपने को सिलफाटा से मैं पलावा चले गया, एक्सपेरिया पलावा चले गया। तो वहाँ से मुझे लोधा से अपना का एक बुकिंग लगा था वासी का, 20 किलोमीटर का था, 243 रुपीस मिला था। पैसेंजर को मैंने जस्ट ड्रॉप किया, तो वहीं वासी स्टेशन से मुझे खार वेस्ट का एक बुकिंग लग गया। तो खार वेस्ट का बुकिंग मैंने बोला चलो लेते चले यार, अब क्या है। तो जो उसका पैसा मिला अच्छा ही मिला है, उसका मिला है मुझे 280 प्लस 40, 320 रुपया मिला है मुझे टोल के साथ। तो इस तरह से जो अपनी आज की पूरी अर्निंग रही है भाई, बूम बाम हो गया, 3000 के आसपास की अर्निंग हो गई, ऑलमोस्ट 3000 में 10-20 रुपया कम होगा, या 3000 का अर्निंग आज का दिन हो गया है। और पिछले दिन परसों भी मैंने 3000 का ही काम किया था, तो कंटिन्यू आजकल काम अच्छा हो रहा है एयरपोर्ट पे। आज ज़्यादा सोया नहीं, एक घंटे में सोया, और जो पहली बुकिंग आई वो मैंने इग्नोर मारा, कहीं नज़दीक का ही था, ध्यान नहीं दिया कहाँ का था, लोअर परेल था पहली बुकिंग ओला का। उसके बाद दूसरा डायरेक्ट सीबीडी बेलापुर बटा था, मैंने उठा लिया था। तो इस तरह से अच्छा काम हो गया, 3000 का काम हो गया, ऑलमोस्ट 1000 का फ्यूल पकड़ के चलो, रमसम फ्यूल सर्विसिंग सब पकड़ के चलो, तो उस हिसाब से 2000 का शुद्ध मुनाफा हो गया। तो भाई कल फिर निकलेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। अब आ गए हैं घर पे, और तुम्हारा भाई जैसे कि बताता है भाई कि एयरपोर्ट पे ज़्यादा जाने का मूड नहीं। देखो एयरपोर्ट पे जाने का मतलब है, देखो आज भी किया तो एक घंटे से ज़्यादा सो गया ऑलमोस्ट। अगर वो एक बुकिंग नज़दीक की मिल गई होती तो मैं नहीं लेता, तो फिर से एक घंटा और वहीं टल जाता। तो ऐसा होता है एयरपोर्ट, दो ही टोकन मिलता है ओला की तरफ से, नहीं एक्सेप्ट किए, नज़दीक नज़दीक का दे दिया अपने को, अंधेरी है 2-3 किलोमीटर, तो वेस्ट हो गया। और नॉर्मल ही रहता है, 8 बजे के पहले जो बुकिंग्स आते हैं नॉर्मल रहते, सरजोज नहीं देता है। तो इसीलिए एयरपोर्ट का कम से कम बुकिंग मिल तो है अच्छा यार, इधर उधर बाकी मारते रहो वो ठीक है। आज शनिवार की रात थी तो ज़्यादातर क्लब की बुकिंग थी, और अभी रविवार हो चुका है और मैं ऑलमोस्ट घर पे आ चुका हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और घंटा दबा दो भाई, बम बम तुम्हारा भाई, बम बम।